जो रिबन कट के वापस मुड़ जाते एम एल ए साहब जदियाँ मशीनों में चले जाएँ रूड़ी भी चक्के ले जाने सारे कुछ चक्के ले जाएंगे तो ये लोग सारे वो इन्हों जो आए इन्हें बड़े खुश होंगे भी साढ़े पिंड एम एल ए आया चुने हुआ भी हूँ कुछ करके जाऊगा पर एम एल ए साहब फिर इन्हों नारा ला के खिसके जाते सो ये एम एल ए साहब को सोचना चाहिए भी तुम हम जाग जाओ एवं डी सी वाला रवैया ना अपनाओ लोक इंसाफ पार्टी सनी कैन जी खुद आप पूरे पंजाब दे विच लोगों का जिहड़ा दर्द आ उहनूं वंडण वास्ते जांदे आ लोगों की सपोर्ट वास्ते जांदे आ पर जिहड़े लुधियाणे दे लोग ने जिथों की सिमरजीत सिंह बैंस एम एल ए ने जिहड़े कि आत्मनगर हल्के तो उन्होंने लोगों दीआं कमेंटां ने कि सिमरजीत सिंह बैंस के अपने एरिए च कम नहीं होंदे बाहर सवारदे फिरदे क्योंकि इन्हों तो आप कुछ डक्का तोड़ नहीं सकते तो दूजियां दे लत्ता खिंचणियां सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा साढ़े जे लोगों ने दो वारी सिमरजीत सिंह बैंस नूं आजाद जताया तो घर बह के तो कोई जितने नहीं लगे लोगों ने कम किए तो ही जितते जो सरकार एम एल ए बैठा उन्होंने 5 करोड़ रुपये 1 साल का मिलता तो 25 करोड़ रुपये 5 साल का मिलता तो कितने गया सर सिमरजीत बैंस को नहीं मिल रहे जो ऑपोजिशन में बैठा उन्होंने तनखा नहीं मिलती तुम्हें पैसे की ग्रांट क्यों नहीं मिलते भी तो एक एम एल ए संविधान के हिसाब से उन्होंने भी तो जो फंड आना चाहिए क्योंकि बैंस हमेशा सरकार के बोलने फोलता कभी कैप्टन ने दवाई दे कदे कदे कि दे इस करके खुद का कट दे भी लोग की उम्मीद रख लोग वोटा पाते लोगों को उम्मीद ताही साढ़े को आए जे लोग 2022 भी थोड़ी नहीं आती फिर लोग इस तरह ही रह देखो जी सरकार फंड मिले ना तो कम हो मैं कह रही सरकार आवे ना सरकार ना आवे मैं कहना अज भी साढ़े कम होंगे हम ना तो ज 2 साल हो गए जे ना कोई आ सत श्री अकाल जी मैं हाँ नीरज तो देख रहे हो लुधियाना टाइम्स अज असी पहुंचे हैं जी लुधियाने के शंकर पिंड को जिते कि जी कि डेलो तो सानिया रोड जाती है इस रोड का जोड़ा काम आ अंडर प्रोसैस चलदा चल रहा वा जिदे करके इतने के जोड़े लोग ने उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस करके साडे नाल अज लोक इंसाफ पार्टी के यूथ प्रधान ने सनी कैन जी साडे नाल मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने की कहना इस विषय से सर सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी की कहना चाहोगे भी अब तुम पहुंचे हो सड़क का बहुत माड़ा हाल आडे की विचार जी मेरे विचार तो ही मेरे तो पहला पिंड वाले विचार जाने सू जे लोग इतने रेंदे आ जोड़े 2 सालों तो दुख भोग रहे इतने रोड के उपर नर्क आ जोड़ा रोड के उपर बट्टे निकल निकल कहते घर वजद उड़ उड़ के और मिट्टी का अंदर देखो भी आने वाले शॉट मारोंगे पेड़ों के उपर भी किलो किलो मिट्टी चढ़ी है पत्तियों के उपर तो इन्होंने घर के अंदर किन्नी होगी तुम आप सोच सकते हो सो इसे पहला भी प्रोटेस्ट किया और किश्तियां भी चलाइया बच्चों बिठा के पर उदों तो यह सड़क बनी नहीं रही असी तो अपने वालों काम किया असी सरकार को जगाने की कोशिश की सरकार वो माड़ा मोटा जो किश्तियां चलाइया उस तो बाद पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट PWD के दफ्तर जाकर चिक्कर चुक्कर खिलार के आए इन्होंने पैरों से जो इन्होंने बूट बाट गंदे करके फिर इन्होंने माड़ा मोटा काम शुरू किया और इन्हों का क्रैडिट लेना चाहता असी हल्के का विधायक MLA कुलदीप सिंह वैद वो कहना भी मैं रिबन कट्टना असी कट लो काम करा दो महाराज जो रिबन कट्टन आउंदे आ ते मशीनां भी आ जांदियां ने रूड़ी भी आ जांदी आ मिट्टी भी आ जांदी आ ओ बदल टेंपरेरीली हुंदा इक तरह दा भी दस दिन रिबन कट्टे आ जदों रिबन कट के वापस मुड़ जांदे MLA साहब जदियां मशीनां में चले जांदियां रूड़ी भी चक्के ले जांदे सारा कुछ चक्के ले जांदे ते इह लोक सारे ओहदे आई इन्हां नूं जदों आउंदे आ इन्हां बड़े खुश हुंदे आ कि साडे पिंड साडा MLA आया चुणिया होया वी हुण कुछ करके जाऊगा पर MLA साहब फिर इन्हां नूं नारा ला के खिसके जांदे आ और यह अज मजबूरी साड़ियाँ जिहड़ियां भैणां जिन्हां दी घर च वी बड़ी लोड़ हुंदी आ रोटी खानी आ बच्चों तैयार करना स्कूल भेजना स्कूल बंद ने होर कई काम होंगे घर के बड़ा साड़िया भैन सड़क में बैठिया देखो शर्म वाली बिल्कुल जी ये त्रासदी नहीं रह गई है कि साढ़े पंजाब की एक त्रासदी आती हर काम जिहड़ा वा बिना प्रोटेस्ट के होंगे ही नहीं हुण अज डेट देखा जाए कि एक जिहड़ियां घरेलू महिलावां ने घर का काम करने वालियां ने इन्हां नूं भी प्रोटेस्ट करने लई सड़कां ते आना पै जदों तुहाडे घर के मरीज बन लग जाण तुहाडे घर के बजुर्गों अस्थमा हो जाए थोड़े बच्चों बीमारी लगन लग जाए फिर घर दिया मिलाइया जीडिया भैन ने बीबिया ने की कर बाहर ही निकल गया ना हले तो रोड से आईया ने मुड़के मैं लगता भी तंबे लैके कहते MLA घर के बाहर ना हो जाए सो ये MLA साहब को सोचना चाहिए भी तुम हम जाग जाओ एवं DC वाला रवैया ना अपनाओ तुम इन्होंने दफ्तर जाओगे ना अज भी DC आए मोके विखे DC अज भी इन्होंने दफ्तर बार जाऊँगे उन्होंने बाहर पर्ची लिख के लाई हुई है बाहर गनमैन 2 खड़ाए होंगे पर्ची तो लिख के जाते जी मैं फलाना मंगल सिंह मैं पिंड शंकर तो आया तो फिर वो गनमैन पर्ची अंदर रह के देख के आता MLA साहब को MLA साहब की मर्जी आ भी सू मिलना कि नहीं मिलना आ हालात ने तो जेडे तुम DC ने MLA बनाता तो वह अज भी DC आ भुलिया नहीं मैं अज MLA बन चुका लोगों का मैं दाँ मैं हूँ थोड़ी तुम हूँ सरकारी अफसर नहीं रहे हूँ तुम लोगों के नौकर हो चौकीदार हो और वो चौकीदार अज मैं कहना नहीं चाहता अज चोरों रलिया है अज उन्हों आपकी पई आ भी मैं आपकी बिजनेस किमें सैट करने आपके रेस्टोरेंट्स किमें सैट करने आपकी मैं बिल्डिंगा किमें खड़िया करनी है इसे तक मतलब पिंडा के हो रहा
ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਵੈਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਨਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲਾਓ ਧਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਵੋਟਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਵੋਟਰ ਆਇਆ, ਛੱਡ ਦਿਉ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਉ ਮੈਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਵੋਟਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਵੋਟਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਸਨੀ ਕੈਂਟ ਜੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਸਨੀ ਕੈਂਟ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਵਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕੁਛ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਆਪਦੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼, ਫੰਡ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਫੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ? ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 2022 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ 36 MLA ਰਾਜ 36 MP ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਰਾਓ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
उन्होंने किसी तीन बंदियां ते इल्जाम लगाए सीगे ऑन कैमरा बिल्कुल मीडिया दे विच आके कि वो पैसे लैके लोगों तो कम करवाते हैं भ्रष्टाचारी करते हैं। वो कहते भी मैं सिमरजीत बैंस नूं दस्या पर सिमरजीत बैंस ने उस चीज़ को इग्नोर करता कित ये तो नहीं भी वो बच्चे रली मिली है कोई गल। देखो जी जो कोई बंद ने इमानदारी के राह चलना होंगे तो सरबजीत सिंह की गल की है साढ़े को मैं कहना 25 बंदे उंगला चकते साढ़े से साबित क्यों नहीं होंगे। वो कहता मेरे को सबूत ने पर सिमरजीत बैंस ने मंगे नहीं मेरे तो साबित कर रहे। मैं क्या सिमरजीत बैंस क्यों नहीं पूछूंगा भी जो तुम जाके बैंस को मिलोंगे जो तुम भ्रष्टाचार की निकाला आप चलोड़िया ने पटवारियों को पैसे तुम बैंस के नाते खाने हैं तो बैंस ने लत्त मर के भजाऊगा दफ्तर चो जो उन्होंने लत्त मर के भजाया तो हूँ कहना बैंस पैसे लगा। भाजी गल्ला नीरज जी ये बड़िया गल्ला सबूत कितने आ मैं असी ना जिनी बार साढ़े उल्ट कोई बंदा बोलता तरह तरह दल्ला लेके आते हैं अभी क्या सबूत लिया सबूत लिया सब तो पहला अस्तीफा मैं दूंगा लोक इंसाफ पार्टी। सनी कैंत जी जो हूँ ये सड़क नहीं बनती जा ये नहीं हुंदा लोकां दी जिहड़ी आवाज़ आ ये एम एल ए बैर नहीं सुनते जे काम नहीं हुंदा तो उस तो बाद थोड़ा अगला जिहड़ा प्रोटेस्ट आ की होगा। अगला प्रोटेस्ट ये हुण दसणगे हुण 5 दिन का समा 4 दिन का 5 दिन का लैण हफ्ता लैण इस तों बाद असीं डीसी दफ्तर नूं लवांगे ताला PWD दफ्तर लवेंगे ताला इन्होंने मुलाजम अंदर डकेंगे नाले पता लगे इन्होंने घर के अंदर किमें डके रही। तो साढ़े ना पिंड वासी इतने मौजूद ने जो बीबिया ने जिन्हें ये प्रॉब्लम जो दस देने भी सड़क ना बंद करके की प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने गलबात करते हैं उन्होंने की कहना जी माता जी सत श्रीकाल माता जी ये सड़क ना बंद करके की प्रॉब्लम आ रही है की दिक्कत आ रही है इतने दो साल हो गए सड़क न। अच्छा जी भी जे इन्होंने नहीं बनानी सी इन्होंने पट्टनी क्यों सी अच्छा जी पहला कारण था है ना भी वो भी वधिया सी साडी हुण जे हुण ना तो दो साल हो गए जे ना कोई आउंदा पर अज हुण सानू 4 दिन दा टाइम दित्ता उहनां ने। अच्छा हजे कोई सुनवाई नहीं होई बाकी होर भी माता जी साडे नाल ने माता जी नाल गल माता जी की कहना चाहोगे सड़क बननी चाहिए सड़क कितना टाइम हो गया बनती नहीं पई दो साल हो गए मतलब इतनी ही प्रॉब्लम आ रही है मिट्टी मुट्टी बहुत उड़ती है कहते रस्ता भी बंद करता हूँ जो लोग इतों लंघते हैं जी उन्होंने रस्ते जो बंद ने उन्होंने दिक्कत नहीं आती सड़क ना बंद करके जी लगातार जी इतने प्रॉब्लम आ रही है मिट्टी उड़ रही है तो जिदे करके है कि उन्होंने प्रशासन को मांग आ कि ये जल्दी तो जल्दी सड़क बनी जा बनवाई जाए तो सो सनी कैंत जी भी साढ़े नाल सी उन्होंने दसिया कि उन्होंने वालों लगातार जो प्रोटेस्ट ने चलते पे ने दसिया कि जेडे कुलवंत सिंह बैद ने कुलदीप सिंह बैद उन्होंने वालों जो रीबन जरूर कट्टा गया इतने लड्डू भी वंडे गए हैं पर मुड़ के इस जी सड़क की आ सार नहीं लिती गई हूँ देखते आने वाले टाइम के कदों तक ये सड़क की जी सार लिती जाती है तो कदों तक ये बनती है। कैमरामैन मठाड़ू के नाल नीरज कुमार की रिपोर्ट लुधियाना टाइम। वधेरे जानकारी लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स अते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुलो।